हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे भिंडी की बहुत ही आसान तरीके से सब्जी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। हमने 500 ग्राम भिंडी ले ली, उनको अच्छे से धो के सुखा लिया इनका पानी। अब भिंडी अगर मीडियम साइज़ की है तो दो टुकड़े में काट के उसको आधा आधा हिस्सा कर लेंगे, फाड़ लेंगे बीच से। और अगर बड़ी भिंडी है तो तीन हिस्से काट के हम इनको सारी भिंडियों किसी तरह से काट लेंगे। और एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालकर हमने भिंडी को तलना है। जब ये भिंडी आधी पक जाए तो हम इनको निकाल लेंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस तरह से भिंडी ज़रूर बनाकर खाइए और खिलाइए। तो हमारी देखिए भिंडी पक चुकी है, आधी गल गई है। अब हम भिंडियों को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, और जो तेल हमारा बचेगा उस तेल में हम थोड़ा सा तेल डाल के ये मसाला पकाएंगे। तो तेल डाल के हमने गरम कर लिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच मूंग की दाल और एक तेज पत्ता डालकर हमने तड़का लिया है। अब हम इसमें 5-6 कलियां लहसुन की काट कर डालेंगे, और 1 बड़ा प्याज लिया था उसमें से हमने आधा महीन काटा है और आधा थोड़ा सा बड़ा काटा है, तो महीन प्याज काट देंगे। काटने के बाद इसमें डाल दिया है, और थोड़ी जब इसका रंग चेंज होता है तो बड़ा प्याज भी हम डाल देंगे। अब जब ये प्याज भून जाएगा तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और सारे मसाले डाल देंगे। तो देखिए हरी मिर्च भी डाल दी है, हरी मिर्च आप स्वाद अनुसार डाल दिए, तो हमारा मसाला पक गया है। पानी डालने के बाद सारे मसाले डाल दिए थे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 धनिया पाउडर, 1 चम्मच और आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। तो जो हमारा मसाला पक गया है, मसाले ने जो तेल छोड़ दिया है, तो इसके बाद हमने जो भिंडी तली थी तेल में, उन भिंडियों को हमने डाल दिया है। हमारी भिंडी आधी पहले से ही पक चुकी थी। अब हम थोड़ा सा नमक डाल के, स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको ढककर थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरी भिंडी पककर तैयार हो गई। देखने में कितनी ही अच्छी लग रही है, जैसे जिस तरह से ये अच्छी लग रही देखने में, वैसे ही खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।